क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 26 दिसंबर से तीसरा टेस्ट मैच शुरू होगा और मैच भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5 बजे से खेला जाएगा। इसके लिए एक दिन पहले ही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 फाइनल हो गई है, जिसमें विराट कोहली ने खासे बदलाव कर दिए हैं। तो इस टीम पर आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। विराट कोहली ने टीम की ओपनिंग जोड़ी को पूरी तरह से बदल दिया है। पिछले 2 टेस्ट मैच में खेले और फ्लॉप रहे मुरली विजय और केएल राहुल दोनों को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह पर एक स्पेशलिस्ट ओपनर मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया है, जबकि दूसरा इस दशक का सबसे बड़ा प्रयोग होने जा रहा है। जी हां, रोहित शर्मा को टेस्ट मैचों में बतौर ओपनर शामिल किया गया है और अब रोहित टेस्ट मैचों में भी टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा, चौथे नंबर पर विराट कोहली और पांचवें पर अजिंक्य रहाणे का खेलना पक्का है। छठे नंबर की बात करें तो यहां पर भी ऋषभ पंत खेलेंगे, उनकी भी जगह पक्की है। अब बात करते हैं सातवें नंबर की, तो यहां पर धाकड़ हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी हो रही है। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी योगदान देंगे और हनुमा विहारी को दुर्भाग्यशाली रहते हुए टीम से बाहर होना होगा। वैसे मयंक अग्रवाल के फिटनेस को लेकर थोड़ा सा सवाल है और अगर मयंक पूरी तरह फिट नहीं हुए तो हनुमा विहारी से रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग भी कराई जा सकती है। आठवें नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलेंगे, जो पूरी तरह फिट हो चुके हैं। यानी टीम में इस बार 2 ऑलराउंडर होंगे। जडेजा और पांड्या की टीम में आने से टीम का बैलेंस काफी हद तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद 3 मुख्य तेज गेंदबाज होंगे, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह के साथ साथ ईशांत शर्मा को ही यहां भी खिलाया जा रहा है। इन टीम में 5 गेंदबाज हैं और कॉम्बिनेशन भी काफी अच्छा लग रहा है। तो इस टीम पर आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।